नमस्ते मेरे प्रिय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल लव सुप्रिया के एक नए ब्लॉग में। सॉरी फ्रेंड्स, पहले ही बता देती हूँ ये आज का वीडियो नहीं है, ये दिवाली का वीडियो है। कुछ कारण के लिए मैं एडिट कर नहीं पाई थी फ्रेंड्स, इसकी वजह से ये वाला वीडियो छोड़ने में थोड़ा सा लेट हो गया। अबे सभी बच्चों का स्कूल में दिवाली वैकेशन चल रहा है, बच्चे सुबह सुबह उठ के ही खेलने के लिए लग गए, उसके साथ साथ रंगोली भी किया। मेरा भी मन नहीं कर रहा था घर में कुछ बनाना और खाने के लिए, तभी मेरी फ्रेंड अश्विनी मुझे बुलाई, जल्दी से आ जा, मैं कुछ स्पेशल डिश बना रही हूँ। तो मैं भाग भाग के चली गई अश्विनी के घर पे। तो अश्विनी ने बोली, अरे घर पे बहुत सारा रोटियां है, बासी रोटी तू खाएगी क्या? मैं बोली, बासी रोटी से मैं क्या खाऊँ, बोले रुक मैं बना के दिखाती हूँ। तो बासी रोटी से एक पुलाव जैसा बनाई फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा लगा, इसीलिए ये वाला डिश ना मैं आप सबके सामने पूरा डिटेल्स में शेयर कर रही हूँ। पहले जितना सारा रोटी था उसने पूरा मिक्सी में कद्दूकस कर लिया, उसके बाद एक एक करके जीरा का छोका लगाया, उसके साथ मोरू भी था, प्याज डाला, करी पत्ता, थोड़ा सा हल्दी, नमक में थोड़ा सा भून लिया, और मूंगफली अलग से सूखा खोले में थोड़ा सा भून लिया था उसने। फिर एक एक करके जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, टमाटर बारीक कटा हुआ उसने डाल दिया। स्मेल इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मैं सोची अरे बासी रोटी से क्या बना रही है, शायद खाने में अच्छा नहीं होगा, सिर्फ दिखने में ही अच्छा होगा। लेकिन बिल्कुल मेरा जो ध्यान था ये पूरा एकदम गलत निकला, बहुत ही यम्मी सा हुआ था। लेकिन मैं पहले ही बता दिया था उसको, जो भी करना तीखा थोड़ा सा कम डालना, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ में ना तीखा थोड़ा कम खाते। तो जो भी हो फ्रेंड्स, अश्विनी का बासी रोटी का पुलाव बनाना पूरा रेडी हो गया। मुझे बोले जल्दी से निवाला टेस्ट कर ले, तो उसने मुझे एक कटोरी भर के दिया। लेकिन मैं इतना, एक कटोरी तो सुबह इतना नहीं खाऊंगी, मैं बोली मुझे थोड़ा सा दे दे, वही मैंने खा लिया। लेकिन बहुत ही यम्मी हुआ था। मुझे कोई भी काम में मन ही नहीं लग रहा, फिर से मैं रोटी खाने के बाद घर चली गई थी। फिर आवाज़ आया सभी बच्चों का, इधर मेहंदी लगाना चल रहा है। तो मैं बोली मुझे भी मेहंदी लगा दे, बोले सभी बच्चों को हो जाने के बाद अगर टाइम मिलेगा तो। बात भी सही है फ्रेंड्स, और मेरा एक्चुअली मन क्यों नहीं है, आज का दिन मेरे घर पे मतलब कलकत्ता में मेरे घर पे बहुत बड़ा सा लक्ष्मी पूजा होता है। इधर महाराष्ट्र में जिस दिन दीपावली का पूजा होता है ना, उसके अगले दिन ही हमारे तरफ लक्ष्मी पूजा घर पे और बाहर काली पूजा का रिवाज है। तो वही हो रहा है, बार बार फ़ोन आ रहा है घर से, तू क्यों नहीं आ रही है। लेकिन सबको ना बार बार बोलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली ना मैं ये बात किसी के साथ शेयर ही नहीं किया, इस बार हम लोग क्यों नहीं जा रहे, कुछ कारण है जिसकी वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे। हर बार हर किसी को बोलना पॉसिबल भी नहीं होता और मुझे बताना भी अच्छा नहीं लगता, तो इसकी वजह से मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं अपने मन के बात अपने मन में ही रख दिया। और इधर बड़ी गुड़िया मतलब ताशू लग गई दीपावली का दिया चारों तरफ लगाने के लिए। ये देखिए कितना सुंदर करके रंगोली बनाई ना, ये सब मेरे अकेले बच्चे दोनों ने नहीं किया, इधर मेरे फ्लोर में जितना सारा बच्चे हैं सब मिल के किया। और छोटी गुड़िया अपने पापा के साथ लग गई वो जो दिया लेकर आए ना उसको डेकोरेशन करने के लिए। सही में बोल रही हूँ फ्रेंड्स, 16 साल में इस बार पहली बार हुआ जो मैं घर नहीं जा पाई, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सब कुछ काम वगैरह सब कुछ कर रही हूँ लेकिन किसी के अंदर ना मेरा मन ही नहीं है, पता ही नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। बार बार जैसा लग रहा है अगर छोटा मोटा कुछ भी मिलता ना मैं जैसे भी करके मैं घर चली जाती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे मतलब नासिक से कलकत्ता जाना इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स, बहुत पहले ही हम लोग टिकट ले लेते हैं कम से कम 4 महीना पहले। हाँ तत्काल में भी ले सकते हैं लेकिन तत्काल का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग हर साल ही 4 महीना पहले टिकट ले लेते हैं। और अभी हम लोग निकल गए वही कम्युनिटी हॉल में जहाँ हम लोगों का पूजा है, काली पूजा होगा, वही जाने के लिए। तो जाते जाते मैं जो सोसाइटी में रहती हूँ उधर का नज़ारा एक बार दिखा देती हूँ। देखिए चारों तरफ लाइटिंग भी जलना शुरू हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ना दिखने में नज़ारा। जैसे ही सोसाइटी से बाहर आए तो मैं बोली थोड़ा सा इधर रुको, बाजी मतलब ये फुलझड़ी वगैरह थोड़ा सा जलाए रहे सभी बच्चे, तो मेरे दोनों बच्चे भी थोड़ा बहुत जलाया। उसके बाद फिर से हम लोग निकल गए
हमारा जो जगह है वही जाने के लिए जहाँ हम लोगों का पूजा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, काली पूजा कैसे होते वो तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, शायद पूजा इतना टाइम हो गया, लेकिन जाते जाते फिर बाजी मतलब फुलझड़ी वगैरह सब ख़त्म हो गया। फिर हम लोग गए दुकान में, लेकिन इधर दुकान में ना हर चीज़ बहुत महंगा है, लेकिन लेना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत बच्चों के लिए। तो हम लोगों ने लिया दो टाइप का फुलझड़ी और एक है आलू बम, इसको हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, जो येलो कलर का पैकेट है ना, इसमें छोटा छोटा बम है, बहुत मस्त मतलब आवाज़ आता है। और इधर आके देखा पूजा ऑलरेडी ख़त्म हो गया, प्रसाद भी सबने खा लिया, तो क्या करें फ्रेंड्स, आने में थोड़ा सा लेट हो गया। कितना अच्छा लग रहा है ना हमारे इधर का जो माँ काली का पूजा होता है, तो माँ काली का दर्शन भी अब सबको मैं एक बार करवा देती हूँ। सब फ्रेंड लोग बैठ गए, सबका प्रसाद खाना भी हो गया, लेकिन अभी डायरेक्ट हम लोग आ गए रात का खाना खाने के लिए। रात के में खाने में है खिचड़ी और उसके साथ है एक मिक्स सब्जी। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सभी मिलके इकट्ठा बैठ के गप्पे लगाते लगाते खा लिया प्रसाद। प्रसाद खाने के बाद हम लोग निकल आए घर के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज मन ही नहीं लग रहा था, इसकी वजह से जल्दी जल्दी हम जा नहीं पाए। हमें पता था पूजा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या करें, सबसे जो बड़ी बात है मन, जो अपना मन अपने कंट्रोल में बिल्कुल आज नहीं था। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का ब्लॉग ज़रूर आप सबको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करना भूलना बिल्कुल नहीं। फिर मिलती हूँ कल का नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट।